रायगढ़ में मंगलवार को अधिवक्ता संघ की बैठक हुई जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया। अब कोई भी अधिवक्ता पार्षद संजना शर्मा मामले में आरोपी अमित पांडे की पैरवी नहीं करेगा। आपको बता दें कि हाल ही में नगर निगम रायगढ़ की महिला कांग्रेसी पार्षद संजना शर्मा ने अपने घर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में चक्रधर नगर पुलिस की जांच में घर से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें अमित पांडे के लिए लिखा कि यदि कभी मेरी मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमित पांडे होगा क्योंकि उसकी खबरों से वह बेहद प्रताड़ित है। इस कथित सुसाइड नोट की सत्यता पुलिस की ओर से फॉरेंसिक टेस्ट कराए जाने के बाद ही साबित हो सकेगी, लेकिन जांच के दौरान जो तथ्य पहले सामने आया है उसको आधार मानकर अमित पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी वह रायगढ़ जिला जेल में है। अधिवक्ता संघ ने आम सभा में यह प्रस्ताव बहुमत से पारित कर दिया है कि सामाजिक कार्यकर्ता को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले अमित पांडे के लिए कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करे। देखिए, आज जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ की बैठक थी, उसमें आम सभा आहूत किया गया था। उस आम सभा में अनेक विषयों पर चर्चा हुई, अनेक प्रस्ताव भी पास हुए। उनमें से एक प्रस्ताव संजना शर्मा के संबंध में था। संजना शर्मा की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, निश्चित रूप से वो काफ़ी लोमहर्षक और समाज के लिए एक बुरी खबर है, और जिनके विरुद्ध ये प्रस्ताव पास किया गया है वो अभी गिरफ्तार हैं। उनके संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के संबंध में जिस व्यक्ति पर अभियोग है, जिसे चार्जशीट किया गया है, उस व्यक्ति की तरफ से जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ का कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। इस विषय पर काफ़ी विचार मंथन के बाद अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ का कोई भी अधिवक्ता उक्त प्रकरण में जो आरोपी हैं उनकी तरफ से पैरवी नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगा। चूँकि ये घटना रायगढ़ नगर की एक महत्वपूर्ण घटना है और इसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है, उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ये जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय का सभी अधिवक्ताओं ने समर्थन किया है और पैरवी न करने का निर्णय लेकर समाज के प्रति अधिवक्ताओं ने अपनी जवाबदेही को प्रकट किया है। भविष्य में इस तरह की यदि घटनाएं होती हैं तो अधिवक्ता संघ भी एक जागरूक संगठन की तरह ऐसे विषयों पर त्वरित निर्णय लेकर और पैरवी से मना कर सकता है। भविष्य में भी हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। संजना शर्मा वाले मामले में ये निर्णय लिया गया है कि उनकी ओर से जिला न्यायालय में के कोई भी अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से पैरवी नहीं करेंगे।